अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 230 सीटों पर आगे है इंडिया गठबंधन, वहीं एनडीए गठबंधन को 295 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, 295 एनडीए और इंडिया गठबंधन 230, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन आंकड़ों को लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर जी? आप देखिए, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं कि 29 की 29 सीटें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम जीत रहे हैं, और ऐतिहासिक जीत, चाहे आप गुना संसदीय क्षेत्र से माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, माननीय शिवराज सिंह जी हों, माननीय बीडी शर्मा जी हों, हमारे ग्वालियर की भारत सिंह कुशवाहा जी हों, भिंड मुरैना से शिवमंगल सिंह हों, भिंड से हमारे आदरणीय हों, सारी की सारी सीटें 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कमल खिल रहा है। इसके लिए मैं इस मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं जी, और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही श्रेय देना चाहेंगे आप, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चल गया है मध्य प्रदेश में, जैसा कि नारा था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा जी, और पार्टी के हमारे देवतुल्य साथियों और प्रदेश नेतृत्व ने कि जो कड़ा मेहनत और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये हमारी जीत को मैं बधाई और श्रेय उनको देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, छिंदवाड़ा की बात करनी भी ज़रूरी है। कमलनाथ का गढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता था वो, लेकिन छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? क्या कुछ खास किया बीजेपी ने वहाँ पर छिंदवाड़ा को जीतने के लिए? देखिए, सेवा और विकास जी, भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा निरंतर इस पर विश्वास रखती है, काम करती है, और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, मैं कितनी योजनाएं बता दें, चाहे हमारी बहनों का की सम्मान की निधि हो, दीदियों को करोड़पति बनाने की योजना हो, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। कांग्रेस तो सिर्फ चुनाव के समय दिखती है और चुनाव के बाद चली जाती है। बिल्कुल मंत्री जी, मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें आप जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बेहद शानदार प्रदर्शन है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में जो डेंट लगा है आपको, उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, केंद्र की बात करें, तो वहाँ पर सीटें काफ़ी घटती हुई नज़र आ रही हैं। यूपी के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप देखिए कि हमारी एनडीए का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है जी, पार्टी जो भी कमियां रही हैं उनकी समीक्षा करेगी, अभी पूरे परिणाम आ जाएं उसके बाद कोई टिप्पणी करेंगे। निश्चित तौर पर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी हमें देखा, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं आपको डेंट लगा है, तो जो 2 से 3 राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, और मैंने आपसे कहा है कि इसकी समीक्षा करेगी पार्टी, समीक्षा करेगी, और जो भी उस पर होगा समीक्षा के बाद ही कोई टिप्पणी आएगी। ठीक है, सिंधिया जी की जीत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी? एक बड़ी जीत सिंधिया जी ने यहाँ पर दर्ज की है, पिछला चुनाव वो हार गए थे लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार बड़ी श्रीमंत ज्योतिराज जी, देखिए माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी की जीत, पहले दिन से ये तय था कि उनकी जीत सुनिश्चित है। वहाँ जब भी वो जाते थे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, तो लोग रात को 11-12 बजे तक इंतजार करते थे। उनके मन में उमंग थी, जोश था
कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र से ऐतिहासिक रूप से जिताना है और आज उसके परिणाम सामने आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, सिंधिया जी के बेहद करीबी माने जाते हैं आप, क्या गुना में कुछ खास रणनीति बीजेपी पार्टी ने सिंधिया जी ने वहां पर अपनाई थी जो इतनी बड़ी जीत वहां पर मिली है उनको? माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमेशा विकास में और सेवा में विश्वास रखते हैं और वही विश्वास और विकास सबको साथ लेकर चलते हैं, वही चुनाव ऐतिहासिक रूप से उसने जीत दिलाई है। जी। मैं उनके परिश्रम को, उनके सेवा और विकास को प्रणाम करता हूं। कांग्रेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कह रही थी कि 6 से 7 सीटें वो मध्य प्रदेश में जीतने वाली है, लेकिन एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के जीतती हुई नजर नहीं आती है। कांग्रेस के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि मंगरी लाल के हसीन सपने ये जरूर देखेंगे और आज सो रहे होंगे, आप फिर चुनाव आएगा तब फिर जगेंगे और फिर बरसात की मैं फिर जरा टर टर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इस चुनाव में हार गए, चाहे वो कमलनाथ की बात हो, मतलब उनके बेटे नकुलनाथ की बात हो, हालांकि कमलनाथ का गढ़ी छिंदवाड़ा, और दिग्विजय सिंह भी यहां पर जीत नहीं पाए हैं, तो इन दोनों दिग्गज नेताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे आप और जीतू पटवारी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईवीएम खराब हो गई थी ऐसा कहना है उन लोगों का जी, उन्हें जनता जनार्दन को ही यही तो कहना चाहता हूं, उनको स्वीकार नहीं है। हाँ। अगर वो सच दिल से स्वीकार करें दिग्विजय सिंह जी तो फिर तकलीफ कहाँ है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी ईवीएम पे लगातार सवाल उठाते आए हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। जी, और उन्होंने तो काउंटिंग भी वहां पर रुकवा दी थी, गड़बड़ी की आशंका थी वहां पर। उन्हें जनता के ऊपर विश्वास ही नहीं है जी, जबकि ये सुनिश्चित था कि मध्य प्रदेश में प्यार चल रही थी, कमल सब जगह खिलने जा रहा था, ये उनको खुद को भी मालूम था, इसीलिए वो समय समय पर ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। निश्चित तौर पर अपनी हार से जी का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ सके। ठीक है, ईवीएम का ठीकरा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फोड़ती नजर आ रही है, ये कहना है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव में दिया था बीजेपी ने, चुनाव से पहले चुनाव प्रचार में काफी कैंपेन किया, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा कि 400 पार होने वाला है, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या लगता है आपको कहाँ चूक हुई बीजेपी से अभी? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी गौर से सुनना जी। इस चुनाव में कहीं ये चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी? चर्चा इस बात की थी कि 400 पार होगी या 400 से कम रहेगी जी। तो हमने अपना दावा किया है और दावे पर हम सफल नहीं हुए हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, पर हमारी सरकार बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, ये आपके सामने है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की दूसरे दल के नेताओं से लगातार फोन पे बातचीत अभी की जा रही है। देखिए, बीजेपी को परेशान होने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत भी है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को, और यही वजह है कि जो सम्राट सिंह चौधरी हैं वो नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू से भी गृहमंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बातचीत की है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व जी पूरे गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और जो प्रक्रिया है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर 29 की 29 सीटें इस तरीके से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, उसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे आप प्रद्युम्न सिंह तोमर जी? मैंने आपसे कहा कि हमारे, पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं पुनः प्रणाम करता हूं
और इसके लिए प्रदेश की जनता को भी प्रणाम करता हूँ।